किसी भी स्थान पर घूमने जाने के दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि हम टिकट कटा कर सीधे वहां पहुंच जाएं और घूमना शुरू कर दें। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम उस स्थान के बारे में सब कुछ पता कर लें। लगभग यही बातें जेपीएससी परीक्षा की तैयारी पर भी लागू की जाती है। ज्यादातर युवा एकाएक सिविल सेवा में बैठने का निर्णय ले लेते हैं और बैठना शुरू भी कर देते हैं। सच तो यही है कि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ किसी भी काम की पूर्व योजना बनाने की कार्य संस्कृति ही नहीं है। छोटे मामलों में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन बड़े मामलों में नहीं। तो अगर आप भी जेपीएससी के छात्र हैं और आप भी पीसीएस बनने का ब्लूप्रिंट किस प्रकार बना सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके तीन चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर अंतिम चरण साक्षात्कार। आपको इन तीनों में ही सफल होना पड़ता है और इस चुनौती में पार पड़ना पड़ता है कि यह तीनों चरण एक ही बार में सफल किए जाएं। ऐसा नहीं है कि आप इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में सीधे बैठने की अनुमति मिल जाएगी। इसकी एक और चुनौती यह भी है कि जो किसी भी मायने में पहली वाली चुनौती से कम नहीं है और यह छिपी हुई है एक ऐसी गंभीर चुनौती जिसके बारे में तभी पता चल जाता है जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। यह देखने में आया है कि प्रतियोगी जेपीएससी परीक्षा में चयनित हो जाता है, लेकिन जब वह अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए अगले साल फिर से परीक्षा में बैठता है तो प्रारंभिक परीक्षा को ही पास नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि साक्षात्कार में बहुत कम नंबर पाते हैं और यदि ठीक ठाक नंबर भी मिल गए तो इतने अधिक नंबर नहीं मिल पाते कि वह उनकी रैंकिंग में सुधार हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले आपने पहले वाले अवसर पर एक प्रकार से ट्रायल अवसर हो गया और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला अवसर भी ट्रायल अवसर नहीं होगा। और यहाँ आपको खुद चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली, योजना के तत्व। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम में से कम चौकन्ने हो ताकि न केवल सफलता ही हमें मिले बल्कि अपनी पसंद की सफलता मिले। यहाँ सफलता के ढेर सारे नियम व कानून हैं और नियम व कानून की उम्र सीमाओं के बीच में ही आपको अपना खेल खेलना है तथा मंजिल भी प्राप्त कर लेनी है। दूसरा है अवसर। आपके पास चार अवसर होते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग के होने पर इसकी संख्या 7 हो जाती है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के होने पर आपकी अधिकतम आयु मायने रखती है, अवसर नहीं। अगली है बढ़ती उम्र, कदम न रोके। 21 से 30 वर्षों के बीच की उम्र आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करती है। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में यह 32 से 35 वर्ष है। इन बुनियादी नियमों के साथ ही सामाजिक नियम भी हमारी योजना में अपनी कम भूमिका नहीं निभाते। लड़कियों के लिए यह बात इतनी आसान नहीं रह जाती कि वह 30 साल की उम्र तक जेपीएससी के लिए कोशिश करते रहे। जाहिर है कि परिवार की ओर से विवाह के लिए पड़ने वाला दबाव उनकी योजना को नियंत्रित करता है। हाँ, यदि सिविल सेवा में चयन हो गया तो फिर उन्हें स्वयं ही अपने जीवन साथी का चयन करने की छूट मिल जाती है। साथ ही लड़कों के मामलों में यह संकट विवाह का तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संकट बिल्कुल नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ा संकट होता है सेटल होने का। अगली है दीर्घकालीन योजना। पहली बात तो यह है कि यदि आप हड़बड़ी में हैं, सफलता जल्दी से पाना चाहते हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए उचित नहीं है। दरअसल पीसीएस की तैयारी एक मैराथन दौड़ की तरह है। 100 मीटर की फराटा वाली दौड़ नहीं, यहाँ बादल फटने वाली बारिश काम आती है जो विद्यार्थी की चेतना में समाकर कुछ इस तरह रच बस जाती है कि उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जो उम्मीदवार इस स्वरूप को जल्द स्तर कर हासिल कर लेता है उसे उत्तर की सफलता मिल जाती है। लंबी तैयारी। बहुत से उम्मीदवार जोश में आकर इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं कि वह पहले ही अवसर में टॉप 10 में आकर दिखाएंगे। वह गलत नहीं कहते, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उनका यह सच संपूर्ण सच नहीं है। अवसर तो पहला था, यह सच है, किंतु तैयारी 1 या 2 साल की है, जैसा कि इस तरह की बातें करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में बैठ जाती है। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थी इसकी उपेक्षा कर जाते हैं और जो इसे लेकर चलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी देखा गया है। बढ़ती आयु का ध्यान रखें। अध्ययन का अपना एक मनोविज्ञान होता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से यह पता चलता है कि कभी नींद भी नहीं आती हो, ऐसे मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में हम पढ़े भले ही, लेकिन उस पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं मिलता।
हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पढ़ने पढ़ाने का जोश भी कम होता जाता है। दिमाग पर अन्य कई तरह के तनाव और दबाव आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सच्ची और सही पढ़ाई कर पाना आसान नहीं रह जाता। पहले अवसर के अनुभवों को लाभ उठाएं। अनुभव का भविष्य में सही लाभ तभी मिल पाता है जब हम उस अवसर का जीवंत उपयोग अपने जीवन में करते हैं। जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाती है, आप या तो उसी दिन या फिर अगले ही दिन अपने उस परीक्षा के अनुभव का पूरा पूरा मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन को नोट करें। आप आलस्य की जकड़न में आकर यह ना सोचे कि यह तो सब सामान्य सी बातें हैं और मुझे याद ही रहेंगी। आप अपना मूल्यांकन निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं, जैसे आपने कितने प्रश्न सही हल किए हैं, कितने प्रश्न ऐसे हल किए हैं जिनकी 50% तक सही होने की संभावना है। इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है और उपयोगी भी है, क्योंकि इसी जांच द्वारा आप अपनी कमजोरियों को पकड़ पाएंगे। यह महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने पहले की प्रयास में सफल हुए हैं या नहीं। अक्सर यह देखा जा रहा है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है तथा बैठने के लिए चांस भी बढ़ा दिए गए हैं, तब से पहली बार में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। लेकिन किसी भी परीक्षा में बैठ जाने भर से अनुभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि आप उन अनुभवों को लिखें, उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करें और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। तभी आप PCS में सफल होकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा आखिरी पॉइंट है, पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करें। यानी दोस्तों, इस परीक्षा में सफल सभी स्टूडेंट का यही मानना है कि आप इस परीक्षा में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरी तैयारी करें। बेहतर तैयारी करने की रणनीति यही है कि आप इस समय उन्हीं क्षेत्रों, टॉपिक्स या अध्यायों पर फोकस करें जिनसे पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। आप कितना ही अध्ययन क्यों ना कर लें, लेकिन IAS जैसे विशाल पाठ्यक्रम में अंतिम समय में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। लिहाजा अच्छा होगा कि आप तैयारी को अंतिम रूप देते हुए IAS की तैयारी के लिए एक ब्लूप्रिंट का निर्माण अवश्य करें। अगर आप इसी से संबंधित जानकारियों को निश्चित रूप से या विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इन सभी किताबों को JPSC की तैयारी करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इन सभी किताबों को Amazon या Flipkart से ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन JPSC के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कम्प्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी Paper 1 और Paper 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही Paper 1 और Paper 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल्स और पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।